रोशनी को अंदर आने दें भाभी बेगम। कब तक आप अंधेरों में पनाह ढूंढेंगी? बस वक्त नवीन, रोशनी इंतहाई तकलीफ दे हो जाती है। मैं महसूस कर सकती हूँ भाभी बेगम, लेकिन आपको अब इस कमरे से बाहर निकलकर हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ कि बिया हॉस्पिटल से वापस आ गई कि नहीं? दानियाल लेने गया है उसे, लेकिन भाभी बेगम मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे उसका सामना करूंगी? अल्लाह ने हमें खुशी देकर और हमसे छीन ली। मुझे तो लगता है नरमीन कि अल्लाह ताला बाज़ोकात हमें आजमाइश में डालकर ये देखना चाहता है कि ये बंदा मेरा दिया हुआ गम कितना ज्यादा सहार सकता है। भाभी बेगम ये मौका तो नहीं है बात करने का। दरअसल अकबर बहुत गुस्से में है वली से। आप उसे कहें कि घर के हालात से जरा दूरी रहे। फिक्र ना करो नरमीन, मेरा वली रिश्तों को निभाना अच्छी तरह से जानता है। मैं जानती हूं उसने आपको भी बहुत हर्ट किया है, लेकिन अब जो होना था वो तो हो गया ना। बस एक मेहरबानी वो करे ना, आपके भरम को तोड़े ना ही हमारे भरम को तोड़े। मैं तो कहती हूं कि आप उसे कहीं दूर भिजवा दें, शायद जब तक घर के हालात भी बेहतर हो जाएं। और वैसे भी भाभी बेगम मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी में कोई तूफान आए।